सो गाइस, टेक्निकल इंजीनियर में आपका स्वागत है दोबारा से। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बचा हुआ हमारा पार्ट जो है इसका कौन सा यूनिट है, ये हमारा प्लेनर मैकेनिज्म्स हैं। इसका हमारा जो पार्ट है बचा हुआ वो हम कंप्लीट करेंगे। 36 क्वेश्चन से हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे और आगे क्या अगर जितना हो सकेगा उतना करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं 36 क्वेश्चन पे। आइए देवी सज्जनों, सीधा क्वेश्चन 36 पे आते हैं। कंसिडर अ स्लाइडर का मैकेनिज्म विद नॉन जीरो मासेस एंड इनर्शिया। अ कॉन्स्टेंट टॉक टाओ इज अप्लाइड ऑन द क्रैंक एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स बेस्ट रिजेंबल वेरिएशन ऑफ क्रैंक एंगल थीटा विद वर्सेस टाइम। सॉरी, क्रैंक एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमको स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में एक कॉन्स्टेंट टॉर्क लग रहा है, उसका हमको एक वेरिएशन बताना है। ठीक है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है यार। देखो, ये वाले प्रॉब्लम का ये जो क्वेश्चन उठाया ना, जो डायरेक्ट एक फॉरेन ऑथर है, फ्रैंक एंड वाइट कुछ ऐसा है शायद, उससे उठाया है फ्रैंक एंड वाइट। तो उस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन बिल्कुल समझ नहीं आया मेरे को, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो इसका आंसर वैसे डी है, अगर आ जाता है दोबारा तो इसको आप याद कर लीजिए। इसका आंसर डी है, इस तरह से जिगजैग कुछ वेरिएशन दिखेगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता। ठीक है, आई एम सॉरी। देखो, जो मुझे आता है वो मैं आपको एकदम सख्त बताऊंगा, एकदम सॉलिड बताऊंगा। जो नहीं आता है वो सीधा बता दूंगा, मेरे को ये नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द लिंकेज शोन इन द फिगर इज, कौन सा फिगर है ये? ये फिगर है, राइट, ये फिगर है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। एक ये एक लिंक है, दो तीन चार पाँच, ठीक है, पाँच और एक छः फिक्स। तो छः हमारे लिंक हो गए। इनवोल्यूट जॉइंट कौन से हैं, इनवोल्यूट जॉइंट कौन से हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, ठीक है। आपको ये पता है बाइनरी टर्शरी जॉइंट? बाइनरी होता है जहाँ जिस लिंक पे दो, जिस जॉइंट पे दो लिंक कनेक्टेड हो। ठीक है, बाइनरी टर्शरी क्वाटरनरी। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। तो अगर हमारा बाइनरी है, अगर हमारा बाइनरी लिंकेज है, तो उसका हम जॉइंट, उसका एक जॉइंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब अगर रेवोल्यूट पेयर जो होगा वो वन होगा। अगर हमारा जैसे यहाँ पे टर्शरी हो जाता, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वो लिए जाते हैं। टर्शरी होता तो क्या होता, ये देखिए। बाइनरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, और क्वाटरनरी क्या होता है? देखो, बाइनरी होता है जब दो लिंक हमारे, दो लिंक एक नोड पे कनेक्टेड है, दो लिंक एक नोड पे कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं बाइनरी जॉइंट। ठीक है, टर्शरी, टर्नरी क्या होता है, टर्नरी होता है जब तीन लिंक हमारे एक जॉइंट पे कनेक्टेड है। तो एक टर्नरी किसके बराबर होता है, दो बाइनरी के। मतलब ये कहाँ काम आता है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपको कैलकुलेट करना होता है तब ये काम आता है। जब आपका कुछ इंट्रीकेट डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना हो किसी इंट्रीकेट स्ट्रक्चर का, तो उस केस में ये आपको बहुत ज़रूरी है देखना कि आपके टर्नरी है, क्वाटरनरी है, किस तरह का जॉइंट है। अगर टर्नरी हो जाएगा तो वो दो बाइनरी जॉइंट के बराबर हो जाएगा। मतलब आप रेवोल्यूट जॉइंट अगर उसको कंसिडर करोगे आप, तो नंबर ऑफ जॉइंट उसके एक के बजाय दो लेने पड़ेंगे। ऐसी क्वाटरनरी है, चार कनेक्टेड है, वो एक क्वाटरनरी तीन बाइनरी के बराबर है। ठीक है, तीन बाइनरी के बराबर है। तो इस तरह से ये है सिस्टम इसका। तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे किस तरह के है, बाइनरी। सॉरी, दो लिंक एक जॉइंट एक नोड पे कनेक्टेड है, यहाँ पे भी दो लिंक, ये पूरा एक लिंक है। ठीक है, जैसे ये ब्लैक ब्लैक कर रखा है, ये एक लिंक डिफाइन करता है, ये भी एक लिंक है, ये भी एक लिंक है, दो लिंक एक नोड पे, यहाँ पे सब कुछ है। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और नंबर ऑफ लिंक्स कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लिंक और सात जॉइंट, छह लिंक और सात जॉइंट। तो थ्री छह लिंक माइनस टू इंटू सेवन, 15 माइनस 14 इज इक्वल्स टू वन, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 15 माइनस 14 इज इक्वल्स टू वन, यही हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ गया ना आपको बाइनरी टर्शरी वाला केस क्या है, क्या कहना चाह रहा है? फॉर अ इन लाइन फॉर अ फॉर एन इन लाइन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द लेंथ ऑफ द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड आर दोनों गिवेन है। एट द इंस्टेंट वेन द कनेक्टिंग रॉड इज परपेंडिकुलर टू द क्रैंक। ये देखो, मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। ठीक है, जब कनेक्टिंग रॉड जो होती है परपेंडिकुलर होती है क्रैंक के, कनेक्टिंग रॉड इज परपेंडिकुलर टू द क्रैंक। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर इज इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक।
मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक। देखो ये मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता दूंगा कि जो क्या बोलते हैं क्रैंक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है उसमें एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर वो कैसे निकलता है, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, उस फॉर्मूले को डायरेक्टली यहाँ प्लॉट करेंगे तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। बोल क्या रहा है ये, इसने हमें वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर दे दिया है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको बीच में छोड़ दे छोटा मोटा, पूरा फॉर्मूला याद रखना है। वी ऑफ स्लाइडर कितना हो जाता है, आर ओमेगा, सॉरी एक सेकेंड, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है वी स्लाइडर इक्वल्स टू आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू, ये टू है, ठीक है। वैसे स्क्वायर रूट भी है, टू भी मल्टीप्लाई हो रहा है, टू इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू इंटू, लिख लीजिएगा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इंटू एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब इसमें आर क्या है, हमारा रेडियस ऑफ स्लाइडर, रेडियस ऑफ द क्रैंक, जैसे ये है हमारा स्लाइडर, इससे कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है और ये हमारा क्या है क्रैंक, ठीक है। ये फोर दे रखा है, ये थ्री दे रखा है, इसके बीच का ये 90 डिग्री दे रखा है, राइट, फोर थ्री 90 डिग्री दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है, ये थीटा जो होता है ना, ये होता है क्रैंक का इसके लाइन ऑफ स्ट्रोक से अबाउट जो एंगल होता है, ठीक है, ये थीटा होता है। तो अब हमको क्या बोलते हैं, 10 थीटा करूँगा मैं परपेंडिकुलर, ये तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 आ जाएगा, ठीक है, 10 थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 आ जाएगा। और जो एन होता है वो क्या होता है, ये 4/3 कनेक्टिंग रॉड डिवाइडेड बाय क्रैंक रेडियस, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड डिवाइडेड बाय क्रैंक रेडियस। ये सब यहाँ से थीटा निकालेंगे, इसको यहाँ प्लॉट करेंगे, यहाँ से साइन थीटा, ये ओमेगा क्या निकल के आएगा, वी स्लाइडर हमको गिवन है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आर पता है आपको, ओमेगा पता है, इसको मीटर में रखना, ओमेगा आपको निकालना है, ठीक है, ओमेगा आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ से सब कुछ प्लॉट करके थीटा आप निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, एन आपको पता चल गया, ये इसे डाल के आप ओमेगा नहीं निकाल सकते, ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा कितना आएगा, 0.266 रेडियन पर सेकंड। अरे इतनी सिंपल सी चीज़ कैलकुलेशन मैं आपको क्या बताऊँ, 2+2 भी करना बताऊँगा क्या, ये बेसिक चीज़ है, ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ये इस तरह से होगा, सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, वी स्लाइडर आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है आपको दिख रहा होगा, ये माइनस है, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से थीटा क्या होता है, लाइन ऑफ स्ट्रोक का क्रैंक के अबाउट जो एंगल होता है वो थीटा होता है, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 4/3, एन इक्वल टू 4/3, दोनों 4/3, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये भी यही होता है, कनेक्टिंग रॉड डिवाइड बाय क्रैंक, ठीक है, 4/3। ओके आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ स्लाइडिंग क्रैंक मैकेनिज्म द लेंथ ऑफ द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड आर इतना इतना, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक का लेंथ दे दिया, द क्रैंक इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इतना, काउंटर क्लॉकवाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन एट द इंस्टेंट करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन शोन बिलो। अब हमको सेम दे रखा है, ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, हमको क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, इस पिस्टन का लीनियर वेलोसिटी, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, सेम जो फॉर्मूला मैंने पुराना पहले बताया है उसमें यही लगाना है, एन आपको पता चल जाएगा 1.6 आ जाएगा, ये बाई ये कनेक्टिंग रॉड बाई ये, देखो एन हर बार पॉजिटिव होता है क्योंकि कनेक्टिंग रॉड की लेंथ हमारी इसकी क्रैंक की रेडियस से ज़्यादा होती है, ठीक है, हर बार पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 आएगा, तो इसका 1.6 हो गया, वही फॉर्मूला लगाना, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये मैंने क्या बोला था, क्रैंक का लाइन ऑफ स्ट्रोक के अबाउट जो एंगल होता है 90 डिग्री, सॉल्व कीजिएगा, ओमेगा दे रखा है, आंसर आपके हाथ में 2 मिनट में आ जाएगा। अ 4-bar mechanism is made up of links of length इतना 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 ना, if the 350 is fixed the number of link that can rotate fully। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, हमको ग्रैश ऑफ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो करना पड़ेगा, ग्रैश ऑफ लिंक्स। तो ग्रैश ऑफ क्या बोलता है, स्मॉलेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेस देन इक्वल्स टू रिमेनिंग टू, स्मॉलेस्ट कौन सा है 100, बिगेस्ट कौन सा है ये 350, इन दोनों को ऐड करो 450 और ये 500, ठीक है, सही है, ग्रैश ऑफ फॉलो कर रहा है। अब इसने क्या बोला, इस डायग्राम को बना लो, इफ 350 mm इज फिक्स्ड, अगर हमारा 350 mm फिक्स है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा वाला लिंक फिक्स है, तो द नंबर ऑफ लिंक दैट कैन रोटेट फुली, सबसे बड़ा वाला फिक्स है तो इसका इस तरह से हो जाएगा, नंबर ऑफ लिंक दैट कैन रोटेट फुली इस तरह से, ठीक है, 350 ये हो गया,
इस तरह इस तरह इस तरह। देखो ये 100 होगा, ये आपका 200 होगा और ये आपका 300 होगा। तो हमारा ये स्मॉलेस्ट लिंक जो है, स्मॉलेस्ट लिंक हमारा फिक्स के एडजेसेंट है, एडजेसेंट ऑफ द स्मॉलर हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, क्रैंक रॉकर। क्रैंक रॉकर ये रोटेट करेगा, ये सिर्फ रॉकर मूवमेंट होगा इसका। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से वन आएगा, इसका आंसर मेरे हिसाब से वन आएगा, वन 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 एंड ओनली वन। वन सेकेंड वन सेकेंड, आंसर वन है। समझ आ गया ना किस तरह से वन किया है मैंने? मैंने सबसे पहले लिंक फिक्स किया, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि 100 वाला कहाँ पे होगा हमारा, क्योंकि हमारे शॉर्टेस्ट लिंक से डिफाइन किया जाता है कि वो किस तरह का मूव करेगा, किस तरह की मूवमेंट होगी। तो मैंने ये 100 किया, ये 200 किया, ठीक है। ये 300 नहीं हो सकता, अगर ये 300 हो जाता है ये 200 नहीं हो पाता, इसलिए मैंने ये 300 लगाया, 200 100, और हमारा बचा हुआ जो हो जाएगा ये इससे एडजेसेंट है, फिक्स के एडजेसेंट है, इसका मतलब स्लाइडर क्रैंक रॉकर हो जाएगा। तो क्रैंक रॉकर में एक तो क्रैंक वाला, क्रैंक का मतलब क्या है, रोटेट करेगा, रोटेट मतलब उसने वही पूछा है हमसे कि 360 डिग्री रोटेट कितने कौन कौन से करेंगे, तो वन है इसका आंसर, नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक है। फॉर एन ओल्डम कपलिंग यूज बिटवीन टू शाफ्ट, ये सिंपल है, इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड, जब जैसे भी इस तरह जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा, एलिमिनेशन लगाओगे 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। क्या बोला है इसने, फॉर एन ओल्डम कपलिंग यूज बिटवीन टू शाफ्ट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टॉर्शनल लोड इज ट्रांसफर्ड अलॉन्ग द शाफ्ट, छोड़ो इसको, वेलोसिटी रेशियो ऑफ 1:2 बिटवीन द शाफ्ट इज ऑब्टेंड विदाउट यूजिंग गियर, ठीक है, उसमें गियर यूज नहीं करते हैं, मतलब ये तो ठीक है हमारा, मतलब रुको एक सेकेंड, मतलब एक चीज़ सही बोली उसने, गियर हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत बोल दिया, वेलोसिटी रेशियो 1:2 है, वेलोसिटी रेशियो कभी 1:2 नहीं होती, वेलोसिटी रेशियो 1:1 होती है, हम कुछ भी घटा नहीं रहे, कुछ भी बढ़ा नहीं रहे। ओल्डम कपलिंग इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि हम किसी एंगल में उसकी पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी एंगल में पावर ट्रांसमिट, मतलब वो लेटरली डिस्प्लेस्ड है, मतलब जैसे एक शाफ्ट इधर है, एक शाफ्ट इधर है, इन दोनों यहाँ से पावर आ रही है और इस वाले में जाना चाहती है, तो इससे इसको कनेक्ट कर देते हैं हम, तो उसको ओल्डम कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। लेटरली मतलब नॉन कोप्लैनर शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के काम आती है, ठीक है। तो इसका सेकंड उड़ा दो, सेकंड उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, मतलब पहला और ए और बी में से एक है, उनमें फर्स्ट सेम है, मतलब 3 और 4 में से कोई एक है। तो इसने क्या बोला, बेंडिंग लोड इज ट्रांसफर टू अ शाफ्ट, रोटेशन इज ट्रांसफर्ड अलोंग शाफ्ट एक्सिस, ठीक है। तो इसने ये सही है, रोटेशन इज ट्रांसफर्ड अलोंग शाफ्ट एक्सिस, उसकी रोटेशन जो है शाफ्ट एक्सिस के अबाउट ही ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, शाफ्ट की जो एक्सिस होगी उसके अबाउट ही रोटेशन ट्रांसमिट की जाएगी, बिल्कुल सही है ये। ओके आ जाते हैं फिर नेक्स्ट वाले चैप्टर पे, तो करते हैं नेक्स्ट यूनिट, ये रहा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जो मैंने बताया था कि कौन से लिंक को फिक्स करके क्या चीज़ हमको मिलती है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, बेशक आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देखिए कि मैंने बताया था ना सिंगल स्लाइडर के 4 इन्वर्जन होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आपकी कौन कौन से इन्वर्जन होते हैं उसके एक्चुअली। तो ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इसका पहला इन्वर्जन क्या होता है, सिलेंडर को फिक्स कर देते हैं, जब हम सिलेंडर को फिक्स करते हैं तो हमारा कौन सा मोशन आता है उसको क्या बोलते हैं, रोटरी या तो रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, रोटरी या तो रेसिप्रोकेटिंग आएगा। अब वो डिपेंड करता है तुम क्या चीज़ को फिक्स कर रहे हो, मतलब ठीक है, दोनों तरह से काम आ सकते हैं, मतलब इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा है उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका रोटरी बनेगा या रेसिप्रोकेटिंग मशीन बनेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहला हो जाता है सिलेंडर फिक्स, मतलब ये सिलेंडर जो है आउटर, इसको फिक्स कर दिया। दूसरा इन्वर्जन क्या हो जाता है, क्रैंक फिक्स। जब हम क्रैंक फिक्स करते हैं तो 2 मोशन आते हैं, विथ वर्थ क्विक रिटर्न मोशन और दूसरा रोटेटिंग आईसी इंजन ग्रोम इंजन, मतलब जो रोटेटिंग इंजन होते हैं जो हमारे पहले जेट प्लेन्स में यूज होता था वो वाले इंजन हमारे निकालते हैं क्रैंक को फिक्स करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट इसका तीसरा इन्वर्जन क्या हो जाता है, जब हम क्या करते हैं कनेक्टिंग रॉड फिक्स करते हैं, कनेक्टिंग रॉड फिक्स करते हैं तो एक क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन आ जाता है, जो कि हमने निकाला था वही कि एक्सट्रीम पोजीशन पर 90 डिग्री बना रहा है तो वो उसके बाद क्विक रिटर्न निकालते हैं, मैंने बोला शेपर में यूज होते हैं यही है। और उसके बाद दूसरा है ऑसिलेटरी सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म, आप याद करना हो याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लास्ट हो जाता है इसका इन्वर्जन, लास्ट है स्लाइडर को फिक्स कर देते तो हैंडपम्प बन जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ और बचा हो, हाँ अब आ जाते हैं हम ये वाले डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन्स को, ठीक है। इसके 3 इन्वर्जन्स होते हैं, 3 इन्वर्जन्स होते हैं, इस तरह का होता है ये डबल स्लाइडर, 2 स्लाइडर, एक ये स्लाइडर है एक ये स्लाइडर है। इसमें देखो हमें कुछ नहीं होता है, हमें हर एक पार्ट को फिक्स करना होता है, ठीक है। पहले ये प्लेट फिक्स करेंगे बाहर वाली, उसके बाद ये स्लाइडर फिक्स करेंगे, उसके बाद ये लिंक फिक्स करेंगे। तो हमको क्या क्या, तीन ही ऑप्शन, तीन ही इन्वर्जन मिल सकते हैं, ये फिक्स करेंगे, ये फिक्स करेंगे, ये फिक्स करेंगे। आप ये फिक्स करो, ये फिक्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई एक ही फिक्स करना पड़ेगा,
नहीं सॉरी, दोनों स्लाइडर फिक्स होंगे, दोनों स्लाइडर फिक्स होंगे, या तो हाँ चलो देखते हैं अभी क्या है कैसा है। पहले सबसे पहले बाहर वाला फिक्स करेंगे। जब हम बाहर वाला फिक्स करते हैं, बाहर वाला फिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेप्टिकल ट्रैमल, ठीक है, इलेप्टिकल ट्रैमल उसको बोलते हैं उस सिस्टम को। उसके बाद जब दूसरा वाला केस क्या है, हम स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं, कभी कोई एक स्लाइडर फिक्स कर रखा है, ठीक है, एनी वन स्लाइडर, कभी एक कोई एक किसी एक स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं तो उसको बोलते हैं स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म। आपको पूछ सकता है स्कॉच यॉर्क किसकी केस में था, एक फिल इन द एक मैच द ऑप्शन मैच द अबव ऑप्शन आया था, उसमें आपको बताना था कि स्कॉच यॉर्क को मैच करना था, तो वो आ जाएगा आपसे किस में, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म्स में, उसमें ये यूज़ होता है, उसमें एक स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं तो स्कॉच यॉर्क मिलता है। तीसरा वाला क्या आ जाता है, ओल्डम कपलिंग, जो मैंने बताया आपको, दिस कपलिंग इज यूज टू कन्वर्ट द शाफ्ट हैविंग लेटरल मिसअलाइनमेंट। मैंने बोला था लेटरली मिसअलाइंड है, लेटरली मिसअलाइंड है मतलब लेटरल डिस्टेंस पे है, ठीक है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम इस लिंक को फिक्स कर देते हैं, ये लिंक इसको कनेक्ट कर रहा है, इस लिंक को फिक्स करते हैं। आप क्या करना, नेट पर जाना, ओल्डम कपलिंग डालना, आपको बिल्कुल अच्छे से एनिमेशन मिल जाएगा, तो आपको उससे आराम से समझ में आ जाएगा वो है क्या, क्या बता रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है। और ये एक खास पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है ये, जो आपको बताता है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म्स कौन से होते हैं, मतलब एग्जैक्ट आपको स्ट्रेट लाइन देंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन देंगे। अगर आप उसने मैकेनिज्म के थ्रू आप कुछ डायग्राम बनाओगे तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन देंगे, कौन से होते हैं, हार्ट्स मैकेनिज्म, स्कॉट रसल मैकेनिज्म, मॉडिफाइड शॉर्ट रसल मैकेनिज्म, ठीक है, ये तीन मैकेनिज्म्स है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म देंगे। और दूसरा आ जाता है अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है, कौन कौन से हैं, ग्राशॉफ मैकेनिज्म, तेजेपी चेफ मैकेनिज्म, रॉबर्ट्स मैकेनिज्म, पेंटोग्राफ, वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म, बस इतना ही मैंने बताना था। बाकी अब आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, या आप नोट डाउन करना हो नोट तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायनेमिक एनालिसिस ऑफ स्लाइडर स्लाइडर क्राइंग, ठीक है, ये वाला मैं नहीं, मेरे को आता है ये वाला, कैसे हुआ है क्या हुआ है मुझे नहीं पता, मैं किसी और दिन इसको या तो ट्राई करके देखूंगा कैसा हुआ है। क्रॉस हेड वेलोसिटी, ये बहुत रैंडम क्वेश्चन है, बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है, दोबारा नहीं आने वाला है, इतना तो श्योर हूँ मैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे ये मैं आपको देख के बता दूंगा थोड़े टाइम बाद कैसे है क्या है इसका सोल्यूशन क्या है, मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसिडर अ ट्रायंगुलर फॉर्म बाय कनेक्टिंग रॉड एंड द क्रैंक ऑफ द आईसी इंजन एज द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, इसने क्या बोला, कंसिडर अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाना है बाय कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को कनेक्ट करके और टू साइड उसकी लेके, द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अकर व्हेन द क्रैंक इज 75, द रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रॉड लेंथ टू द क्रैंक रेडियस, ठीक है। उसने क्या बोला, इफ द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल अकर, उसका एरिया मैक्सिमम हो रहा है कब, जब 75 डिग्री हमारा बना रहा है क्रैंक, मैंने आपको उसको बना के बताता हूँ, द रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रॉड लेंथ टू द क्रैंक रेडियस, कितना सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या कह रहा है, इस तरह से कुछ डायग्राम है, ठीक है, ये कितना है 75 और ये क्या है क्रैंक, ये क्या है कनेक्टिंग रॉड, समझ गए, ये 75 दिया हुआ है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक और ये 75 डिग्री दिया हुआ है। अब इसने क्या बोला, हमको एरिया मैक्सिमम है, एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है, इसका एरिया मैक्सिमम है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, जैसे हम इसको ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, हाफ ये ट्रायंगल है, क्या कहना चाहता है ये, कनेक्टिंग रॉड ऑफ द आईसी इंजन में, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इस पे, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, तो अगर ये मैं ये देखूं ये हाइट कितना है, तो ये क्या हो जाएगा बी सी साइन 75, राइट, ये क्या हो जाएगा बी सी साइन 75, ये वर्टिकल इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, एरिया क्या है हाफ ये ए बी इंटू बी सी साइन 75 डिग्री, ठीक है। अगर इसने बोला कि इसका एरिया मैक्सिमम है, इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, आपको क्या लगता है इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, इसका एरिया मैक्सिमम होगा जब साइन, इस साइन का वैल्यू, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, वरना क्या है साइन के हर एक का वैल्यू, साइन की किसी भी डिग्री का वैल्यू 1 से कम होता है, 0 से लेकर 90 तक कोई भी अगर एंगल कंसिडर करोगे ये थीटा, तो उसमें 0 से 0 से 1 से कम होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, तो मैक्सिमम कहाँ होगा साइन 90 में, ठीक है, मैक्सिमम, तो मतलब ये जो ये एरिया मैक्सिमम, मतलब ये थीटा जो होगा ये वाला वन सेकेंड
मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है ना, एक्चुअली ये चीज़ ये फंडा नहीं है, ये कहने का चाह रहा है कि इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल जब 90 डिग्री होगा एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। आप खुद एक बार इसको ट्राई मार के देखना, मेरे को एग्जैक्ट इसका समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कैसे हो रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो आपका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, इसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा जब ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसमें आप अगर उसके बाद 10 75 लगाएंगे, ये 90 डिग्री है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा 75 है, तो बेस ये क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग रॉड बाय क्रैंक, तो ये कितना हो जाएगा 3.73, 1075 होता है 3.73, ठीक है, ये आ जाएगा आपका डायरेक्टली। इसको देखना एक बारी, मेरे को ये भी ठीक से नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये कैसे इन्होंने ये कनेक्ट कर दिया है। अगर आपको आ जाए तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसे इन्होंने एंगल ए कंसिडर किया है, मुझे नहीं समझ नहीं आया। और इतना समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री पे एंगल मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि ठीक है, ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। फॉर द मैकेनिज्म शोन बिलो द मैकेनिकल एडवांटेज फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन इज, मैकेनिकल एडवांटेज जब आता है आपको तो आपको क्या निकालना पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है कि मैकेनिकली आपका सिस्टम कितना एडवांटेज गेन कर रहा है। तो क्या होता है, फोर्स आउटपुट बाय फोर्स इनपुट, कितना आउटपुट आ रहा है फोर्स और कितना आप इनपुट लगा रहे हो, या तो टॉर्क आउटपुट बाय टॉर्क इनपुट, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, या पावर आउटपुट पावर इनपुट। मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैसे, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, टॉर्क आउटपुट बाय टॉर्क, ये रोटेशन का केस है, इसमें रोटेट हो रहा है, स्लाइडर क्रैंक में रोटेट हो रहा है, तो टॉर्क के फॉर्म में ले लो, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, टॉर्क आउटपुट बाय टॉर्क इनपुट, टॉर्क आउटपुट बाय टॉर्क इनपुट। अगर तो एक चीज़ पता है आपको कि अगर लॉस नहीं हो रहा हो तो, अगर लॉस नहीं हो रहा हो तो आप क्या ले सकते हैं, पावर इनपुट विल बी इक्वल टू पावर आउटपुट, कर सकते हैं कि नहीं, पावर इनपुट विल बी इक्वल टू पावर आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, टी इनपुट इनटू ओमेगा इनपुट विल बी इक्वल टू टॉर्क आउटपुट इनटू ओमेगा आउटपुट, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो टॉर्क आउटपुट बाय टॉर्क इनपुट क्या हो जाएगा, टॉर्क आउटपुट बाय टॉर्क इनपुट, ओमेगा इनपुट बाय ओमेगा आउटपुट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ को आप यहाँ पे पुट करेंगे, इतना आपको दिख रहा होगा कि ये जो सिस्टम है इसमें ओमेगा इनपुट का कुछ वैल्यू है ओमेगा, लेकिन ओमेगा आउटपुट ज़ीरो है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, थ्री का क्या हो जाएगा, डी। मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम, ओमेगा इनपुट जो है ओमेगा है और आउटपुट ज़ीरो क्यों है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इस सिस्टम को देखिए, ओमेगा इनपुट हो रहा है, कुछ ओमेगा इनपुट हो रहा है, लेकिन आउटपुट ये है हमारा स्लाइडर, ये क्या रोटेट कर रहा है, लीनियरली मूव कर रहा है, लीनियरली बॉडी की ओमेगा क्या होती है, जीरो, तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज इन्फिनिटी हो जाएगा। फॉर अ फोर बार लिंकेज, इसको यूज़ करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज को यूज़ करते हैं टॉगल पोजीशंस में, यही क्वेश्चन है अगला, फॉर अ फोर बार लिंकेज इन टॉगल पोजीशन द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज इन्फिनिटी, इसका आंसर भी इन्फिनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, स्लाइडर मास इतना, मास दे रखा है इतना, स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक का लेंथ, स्ट्रोक लेंथ जो है वो है 0.2 एंड रोटेट्स विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इतना, द प्राइमरी इनर्शियल फोर्सेस ऑफ द स्लाइडर आर पार्शियली बैलेंस्ड बाय रिवॉल्विंग मास ऑफ 6 kg एट द क्रैंक प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू क्रैंक रेडियस, ठीक है। नेगलेक्ट द मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड द क्रैंक व्हेन द क्रैंक एंगल इज 30 degree द अनबैलेंस्ड फोर्स नॉर्मल टू द स्लाइडर एक्सिस, स्लाइडर एक्सिस के नॉर्मल के अबाउट जो हमारा नॉर्म, जो हमारा ये अनबैलेंसी के क्वेश्चन आ जाते हैं, ओह क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, सॉरी, ये अनबैलेंसी के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनबैलेंसी के क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ कुछ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे यही डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है, या तो हम निकाल भी सकते हैं और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आपकी कितना आपको बैलेंस करना है, जैसे इसने बोला ना 2/3 करना है, क्या लिखा है, द प्राइमरी नेचर पार्शियली बैलेंस बाय रिवॉल्विंग मास प्लेस एट नेगलेक्ट द ये, चलो ठीक है, इसको करते हैं, कैसे होगा ये देखते हैं, तो कैसे है सिस्टम, कैसे है और क्या है ये देखते हैं सबसे पहले, ठीक है।
इस तरह का सिस्टम है, ये स्लाइडर लगा हुआ है, इसके साथ कनेक्टिंग रॉड है और ये हमारा क्रैंक फिक्स है, राइट क्रैंक फिक्स है। अब इसने क्या बोला, एक हमने सिक्स एक एक मास कनेक्ट कर दिया है 6 kg का एट अ डिस्टेंस ऑफ द क्रैंक रेडियस टू बैलेंस द अनबैलेंस फोर्सेस। तो उसने क्या बोला है मेरे से, नॉर्मल टू द और ये एक्सिस क्या है इसका 30 degree दे रखा है, ठीक है ठीक है। तो ये मेरे को अनबैलेंस फोर्स निकालनी है, कौन सी, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो अनबैलेंस फोर्स है वो मेरे को निकालनी है, ठीक है। देखो क्रैंक रेडियस क्या हो जाता है, S/2, ये आपको पता होगा। ये थोड़ा सा ये अजीब सा है, इसको मिटाओ यार, ये कुछ नहीं है, क्या है ये, ठीक है। क्रैंक रेडियस जो हो जाता है हमारा S/2, स्ट्रोक लेंथ बाई 2 हो जाता है, स्ट्रोक लेंथ कितना दे रखा है हमारा 0.2, ये तो 0.1 meter हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमको क्या पूछ रहा है उसने, अनबैलेंसिंग फोर्स क्या बोलते हैं, जैसे ये इसको बाहर की तरफ इसको ठीक से बनाता हूँ मैं, जैसे ये बॉल है राइट, इसमें जब ये रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, वो कितनी होगी mr ω² करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ दो फोर्सेस में, ये थीटा है, ठीक है, ये नॉर्मल डायरेक्शन में, यही तो फोर्स है अनबैलेंस फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनबैलेंस है, ये नॉर्मल डायरेक्शन में, देखो ये हॉरिजॉन्टल वाली तो जो भी है उसको छोड़ो, ये नॉर्मल डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स है, नॉर्मल डायरेक्शन में कोई फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स अनबैलेंस होगी, तो इसका वैल्यू कितना है, mr ω² sin θ, ठीक है, mr ω² sin θ, थीटा आपको पता है 30 degree है, सब कुछ आपको पता है, एम पता है, आर पता है, ओमेगा स्क्वायर पता है, ये पता है, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा 30 newton। सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो इसका तो आपको डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, इसको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैं इसको इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखता हूँ मेरे को मिल जाए तो, लेकिन अभी इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा आया नहीं है वैसे कभी, इसका सोल्यूशन भी है लेकिन पता नहीं कैसे, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से है कुछ कैसे करके है, तो इसको छोड़ो अभी, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा, तो फॉर्मूले में आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं आराम से। एन ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज शोर इन द फिगर, कन्वीनियंटली द क्विक रिटर्न रेशियो इज कंसिडर टू बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, वो तो हो गए, क्विक रिटर्न रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गए, वरना आपका सिस्टम कोई काम का नहीं है, कुछ उसमें है नहीं दम। The value of quick return ratio is, quick return ratio का value निकालना है हमको, ये radius of crank है, connecting rod है और offset दे रखा है, offset का value कितना है 10 mm, तो इसका मैं formula बता देता हूँ, इसको कौन से formula से हम इसको solve करेंगे, कौन सा formula इसमें apply करेंगे, वो formula क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ directly। तो वो formula क्या है, phi is equals to cos inverse E upon L plus R minus cos inverse E upon L minus R, ठीक है, ये आपको मिल गया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये फाई, ठीक है। उसके बाद क्विक रिटर्न रेशियो क्या है, क्विक रिटर्न रेशियो कितना होगा, 180 प्लस फाई अपॉन 180 माइनस फाई, ठीक है। ऑफसेट स्लाइडर के केस में, ऑफसेट स्लाइडर के केस में हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है, कॉस इनवर्स जो एक्सेंट्रिसिटी है ऑफ द स्लाइडर डिवाइडेड बाई एल प्लस आर, ठीक है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड प्लस रेडियस ऑफ क्रैंक, और ये कॉस इनवर्स E अपॉन एल माइनस आर, ठीक है। और उसके बाद क्विक रिटर्न रेशियो क्या हो जाएगा, 180 प्लस फाइव अपॉन 180 माइनस फाइव, ठीक है, फॉर्मूला में डाल दीजिएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा सिंपली, एज सिंपल एज दैट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म विद क्रैंक रेडियस 60 mm, कनेक्टिंग रॉड लेंथ इतना mm, शोन इन द फिगर, द क्रैंक इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इतना, देयरफॉर द गिवन द स्पीड ऑफ द स्लाइडर, मैं नहीं बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें स्लाइडर का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा है, r ω sin θ + sin 2θ / 2√n²−sin²θ, वही लगा दीजिएगा, ये एंगल निकालना है क्रैंक का ये, ठीक है, 90 degree आप लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बहुत आसान है, मतलब ये जो भी है आपका साइन रूल जो भी है उससे आप निकाल सकते हैं इसको एंगल को, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ सर्टेन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड आर इक्वल, ठीक है, एल बाय आर इक्वल है, मतलब एन का वैल्यू 1 है, इफ द क्रैंक रोटेट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ इतना, क्रैंक लेंथ इतना दे रखा था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर, ठीक है, मैं आपको इसका बता देता हूँ कैसे होगा, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर r ω² cos θ + cos 2θ / n, ठीक है, r ω² cos θ + cos 2θ / n, n का वैल्यू 1 है, cos θ +
ये क्या है, कॉस टू थीटा राइट, आर ओमेगा स्क्वायर। उसने हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब इसका वैल्यू वन हो जाए, इसका वैल्यू वन हो जाए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, टू आर ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन। इसको टोटल को वन मत ले लेना, वन प्लस वन, ठीक है, वन प्लस वन टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसका वैल्यू निकालेंगे आप, तो आर कितना दे रखा है आपको, 0.3 इंटू 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर टू इंटू 0.3, 117.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आंसर है राइट। ऐसे ही करना है इसको, वन प्लस वन नॉट वन, वन प्लस वन टू टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, लास्ट प्रॉब्लम इस यूनिट का, लास्ट प्रॉब्लम, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है टोम, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज शोन इन द फिगर, एट सम इंस्टेंट द क्रैंक एंगल 45 डिग्री, ठीक है, क्रैंक एंगल, क्रैंक का एंगल, ये जो एंगल है 45 डिग्री दिया हुआ है, फोर्स 40 न्यूटन इज अप्लाइड एक्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट 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 साइड में 40 न्यूटन हमारा लग रहा है, द लेंथ ऑफ द क्रैंक इज 30 mm एंड द कनेक्टिंग रॉड लेंथ 70 mm, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फ्रिक्शन इनर्शियल फोर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रैंक शाफ्ट टॉर्क, इस क्रैंक शाफ्ट पे टॉर्क कितना एग्जर्ट होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। ये मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा लेकिन सिंपल है, बहुत सिंपल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट टॉर्क नीडेड टू कीप द मैकेनिज्म इन इक्विलिब्रियम, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। एंगल में थीटा वीटा के फॉर्म में करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा डिराइव करता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि कैसे उसमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। जैसे ये सिस्टम है, ये क्रैंक है, ओहो थोड़ा सा इस तरह से बनाता हूँ, ये सिस्टम है, ये स्लाइडर है, ये क्रैंक है, ठीक है, दिख रहा होगा, ये क्रैंक है, ये हो गया बीटा, ये हो गया थीटा, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है राइट। अब ये फोर्स, ये कनेक्टिंग रॉड के अबाउट ये फोर्स क्या हो जाएगा, एफ कनेक्टिंग रॉड कॉस बीटा इज इक्वल्स टू एफ, तो एफ कनेक्टिंग रॉड कितना हो जाएगा, एफ अपॉन कॉस बीटा, ये हो जाएगा कि नहीं राइट, एफ अपॉन कॉस बीटा, और ये एफ जो लग रहा है ये कुछ एक एंगल पे लग रहा होगा, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका पता है, ये एंगल हो जाएगा थीटा प्लस बीटा, ये आप कैलकुलेट करना, बहुत सिंपल है, थीटा प्लस बीटा हो जाएगा। तो रुको एक सेकेंड, थीटा प्लस बीटा मतलब इसका इसका कुछ और एंगल है, ये जो फोर्स लग रहा है ना, और ये देखो ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला है 90 डिग्री है, थीटा उसने 45 दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों का एंगल 90 डिग्री है, ऐसा कुछ नहीं पता। तो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर दिया एक इसके लेंथ के अलॉन्ग ये, और एक इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस क्रैंक के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस क्रैंक के परपेंडिकुलर और एक वर्टिकल, दोनों तरफ रिजॉल्व कर दिया है। तो ये जो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही टॉर्क देगा इसको, यही रोटेट कराएगा इसको फोर्स, तो ये फोर्स जो होगी ना वो कितना हो जाएगा पता है, ये इसको रिजॉल्व करेंगे तो जो टर्निंग होगी ये क्या हो जाएगा, एफ कनेक्टिंग रॉड कॉस थीटा प्लस बीटा, थीटा एफ आर कॉस थीटा प्लस बीटा। अब इसमें आप कनेक्टिंग रॉड डालोगे तो एफ अपॉन कॉस बीटा कॉस थीटा प्लस बीटा, और मेरे को टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है इनटू रेडियस कर दो, क्रैंक रेडियस निकल गया आपका टॉर्क, समझ गए, फॉर्मूला समझ में आ गया। बीटा आपको निकालना पड़ेगा, दोनों लेंथ गिवन है, थीटा 45 है, सब कुछ आप प्लॉट कर सकते हैं, एफ आपको दे रखा है 40 न्यूटन, 40 है, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल थीटा प्लस बीटा इन आर, थीटा प्लस बीटा आप निकाल सकते हैं डिवाइड बाय, आपको पता है मैंने बताया ना आपको ये कॉस थीटा प्लस बीटा क्यों है, क्योंकि ये एफ जो है ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये इस क्रैंक के परपेंडिकुलर नहीं है, अगर आपको रिजॉल्व करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब इसके मतलब अगर आप इसके अबाउट ही निकल रहा होता तो यही फोर्स से ही हमारा डायरेक्ट टॉर्क निकल जाता, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है ना, 90 डिग्री कहाँ है, ऐसा कुछ पता है हमको, 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो ये निकालना पड़ेगा, 90 डिग्री होता तो सीधा इसी फोर्स से टॉर्क निकल जाता, ठीक है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये नहीं है तो इसलिए इसका मैंने क्या निकाला, ये टॉर्क इसको लगाने वाला फोर्स कौन सा है, इसके नॉर्मल के अबाउट फोर्स कौन सा है, तो
तो नॉर्मल के अबाउट क्या हो जाएगा, साइन थीटा वाला, साइन थीटा प्लस बीटा वाला, ठीक है, साइन थीटा प्लस बीटा ये वाला कॉस थीटा प्लस बीटा हो गया जो टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया इसमें।